बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ते पहले तक पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा कर रहे लोजपा सांसद पशुपति पारस ने एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज होकर ये कदम उठाया है। सोमवार को एनडीए ने बिहार की 40 सीटों का अपने घटक दलों में बंटवारा किया था। इसमें उनके भतीजे चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर 5 सीटें दी गईं। चिराग और पारस दोनों हाजीपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे और ये मौका दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग को दिया गया। एनडीए के घटक दलों की सोमवार को बैठक हुई और उसके बाद दिल्ली में ही बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने बिहार में सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद संजय झा के साथ सीटों का ऐलान किया। सीटों का ऐलान करते हुए तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम लिया और 5 सीटें उसे दे दी, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी पहले से बता रही थी कि उनके नेता को हाजीपुर और पार्टी को 5 टिकट देने का वादा हुआ है। पारस ने पिछले हफ्ते बिहार में संवाददाता सम्मेलन कर खुद ही कह भी दिया था कि सीटों पर उनसे किसी की बात नहीं हुई है, किसी का मतलब भाजपा से था। ऐसा माना जा रहा है कि पारस अलग पड़ने के बाद विकल्प विहीन होकर इस्तीफा देने को मजबूर हुए। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चाचा भतीजे में अनबन शुरू हुई तो मामला हाजीपुर सीट पर जाकर अटक गया। दोनों इस सीट पर अड़े और भाजपा ने अंततः चिराग पासवान पर अपना हाथ रख दिया। इसी से पारस नाराज हो गए।